कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त मिस्टर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मिस्टर तिवारी। कल की वीडियो आपको बहुत ख़राब लगी होगी, है ना? क्योंकि कॉमेडी और इंटरटेनमेंट फालतू की वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, हंसी मजाक सब कुछ जायज है, लेकिन भाई जो रियल है मैं वही बताता हूँ। अभी मैं दवाई खींचने जा रहा हूँ भाई, अभी तुमको खेत की फसल दिखाऊंगा, तुम भी कहोगे ऐसी फसल होने से अच्छा ऐसी फसलें ना हो। ये है असली जिंदगी भाई साहब। मैंने कुल देखे हैं यूट्यूब पे बहुत लोग मोटिवेशन करते हैं, मारे यार क्या कहते हैं इंग्लिश में, अरे यार दिमाग को मतलब बढ़ाओ कि भाई आप ये करो ये करो। भाई ज्ञान तो सब दे लेते हैं, जिस पे पड़ती है वही जानता है, ठीक है गाइस? क्योंकि मैं कर रहा हूं तुम्हें, और आप किसानी करना चाहते बिल्कुल करें, समझ में आ जाएगी दिमाग में कि आखिर में किसान जैसे कहते हैं अरे किसान ने एक साल में 1,00,000-6,00,000 की फसल बेच ली, 6,00,000 में उनकी अम्मा याद आ जाती, 6,00,000 की फसल तो बेचना बहुत आसान है, कितना परेशान होता। आज मेरे गांव में जानवर छुट्टा हो गए, किसान ने कह दिया अपने अपने खेत रखा, जो खेत रखाएगा उसी का खेत बचेगा। अब ये खेत हो तो रखा है, 5 जगह है, चकबंदी हो नहीं रही है तो कहां कहां रखा है, बात टेरा भी नहीं हुआ। ये है जर विथ मूंगफली, और ये हमारा जुगला भाई, ये पता नहीं कहाँ का चले जा रहे सुट्टू चुट्टू। इनको फसल उगाने का बहुत ज्ञान है, PhD है इनने। इनकी मूंगफली देखो ना तो आप भी कहोगे कि मूंगफली होती है, और ये देखो हमारी मूंगफली, ये कहते हैं तो ये लंदन में है, कहा होगा सास का, क्या होगा ऐसे फसल में आप ही बताओ। अभी दवाई खींचेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, ये दवाई खिंचवाएंगे और हम पानी ढोएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो घर में जो 6x6 का हैरो रखा है उसको लाएंगे फेर देंगे और जुताई कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि नई खेती कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है, जो कोई नहीं करता है वो राही के गुण गाता है। दूसरों की गुलामी करना आसान है लेकिन खेती करना आसान नहीं है, क्योंकि खेती में अम्मा बाप मताई सब याद आ जाएगा, करके देखो मजा ना आए तो पैसे वापस। अभी उतारते हैं टंकी, जाओ तुम पानी भर लाओ, हैं? ठीक है गाइस, इसीलिए कहते हैं खेती करना है तो करो, 1 साल करो, करके देखो, जितने भी नए लड़के हैं समझ में ना आ जाए दिमाग में तो कहना मैं तो कर ही रहा हूं, क्योंकि साला ये आरक्षण खा जाता है। मेरे गांव का अहरवाल लड़के की नौकरी लग गई रेलवे में, मैंने भी फार्म डाला था उससे ज्यादा नंबर थे लेकिन नौकरी नहीं लगी, क्योंकि हरजन हैं, हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सब इसीलिए खेती करना पड़ा, करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ तो उखाड़ नहीं पाएंगे जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी घमंड है, फिर भी इस दिमाग को पता नहीं किस बात का घमंड है, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। साले हम किसानी करेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, क्योंकि मरना जरूरी है हर किसान को, मेहनत करो फसल उगाओ। आज जानवर छुट्टा हो गए ग्राम रौरों के, प्रधान ने कह दिया कि भाई जानवर नहीं रखेंगे अपने अपने खेत रखाओ। जय भैंसुर के 2 बीघा का पटिया है, 1 बीघा का खेत है, अब इसको रखाएं 10 बीघा का खेत रखाएं, साली चकबंदी है सालों में होती नहीं है इस गांव की है, दफ्तर में दिए हुए 2 साल हो गए हैं कि आज चकबंदी होगी कल चकबंदी होगी,
चकबंदी होने से कम एक आदमी एक जगह तो रुक जाएगा, 10 बीघा का चक तो बन जाएगा, वहां बैठ के अपना भजन करेगा। आज जानवर छुट्टा हो गए, जे हैं आज रखाने आ गए। भैया खेत रखाना पड़ेगा कि कुछ नहीं मिलेगा, साले एक दिन पूरी नार घुस जाएगी, उसी दिन पूरा खेत साफ हो जाएगा। जानवर है ना, है चरवाई मिलती सब कुछ मिलता, नहीं मिलता हम तो कहते हैं है? गांव का फर्ज है। अब कहते हैं कि भैया गांव के जानवर भी जी उसी में चरेंगे, अब क्या करें, किसके नाम पे रिपोर्ट करें हुँ? मतलब आप गांव के जानवर के चक्कर में दूसरा मर जाए, एक तो ठीक है बुराई कर लेगा है, फिर उसके साथ कोई और सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करता इस दुनिया में सपोर्ट एक दूसरे का। लो जा है मशीन भाई, उसी में दवा है, लाओ डालो इसकी। जिंदगी झंड बन गई, खेती कर है? 2 साल में का खेती कर ले है, साले सूख के आधे हो गए, इससे समय तो पढ़ने में इसे ज्यादा मोटे हते, इसे ज्यादा शरीर है तो आज तो इनके कुत्तन की तरह मर। भाई किसी की 20,000 की नौकरी कर लेना वो अच्छा है, लेकिन खेती कभी भी भूल के मत करना, चाहे जितनी सुविधा सुविधा हो, क्योंकि तारबारी में भी ढोर खुलक जाता है। ढोर बोले तो जानवर, जिसमें गाय भैंस बकरी छिड़िया नील गाय तो सुना होगा रिजवा है ना, दमदार बात है। जकेंशन लगे दवाई, बीट ब्लॉक ले आए थे 900 रुपया की, जो है 1,000, 2 दिन बाद कुछ नहीं मरेगा, मरेगा तो केवल नाव 4 मर जाएगा जो मरना। इसमें संगे संगे एक दूबा की भी दवाई डाली भाई साहब, क्या कहते हैं उसको, टोरेंट, जिससे भाई सब कहते हैं दूबा मरती है, साला मरता तक कुछ नहीं है, इधर से जाओ से उधर दुकानदार लूटने लगे, ये डालो ये डालो ये डालो है? सरकारी वाली दवाई भाई साहब और अच्छी काम करती है, पर साल छूट की सुनी थी, अच्छा 1400 रुपया की दवाई थी जिसमें 700 रुपया छूट मिल रहा था, जो सरकारी दवाई आती है उसको डाला, साला उड़ता ही नहीं हुआ, ये उसमें फल ही नहीं आया, फल नहीं आया, अब इससे ज्यादा कर रहे आसो भैया प्राइवेट करके डाली है, दवाई ले आए फ्यूजीप्लेक्स ये वो मनचाही दवाई ले आए, किंच रहे हैं। कल का तुम्हें दिखाया था मोटे में पूरे में पानी भरा है, वहां 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं। आज ये मूंगफली है, थोड़ी बहुत बिर्री है, अच्छी है, जो भी है दूबा और एजर इतना है, यदि दवाई डालेंगे थोड़ा बहुत हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो इधर से भी पत्ता साफ। मशीन से दवाई खिंचवा तो खेतों में काम चलाओ, यही है जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसानी 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 करो किसानी करो, खाक किसानी करो, लागत लगाते हैं सब कुछ लगाते हैं, ट्यूबवेल लगवा रहा है आदमी, ट्यूबवेल लगवाएंगे डीजल का खर्चा कम आएगा है, थोड़ी बहुत आदमी सिंचाई करवा लेगा उससे प्रॉफिट मिल जाएगा, ये तो सब कुछ दिमाग लगाएगी कि भैया उसने लगवाया अब वो कम से कम 1,00,000 रुपए कमाएगा उस ट्यूबवेल से, लेकिन जे नहीं सोचता कि 5,00,000 उसने जो घुसेड़ दिए ट्यूबवेल में है, उस खेत की लागत भी नहीं है उतनी, 1,00,000 का बीघा बिकेगी यहाँ जमीन या 2,00,000 का ज्यादा से ज्यादा है, 5,00,000 के उसमें घुसेड़ दी, जब चकबंदी होगी तो भैया उसकी मालियत बढ़ जाएगी कि भैया खेत सिंचे थे इस खेत की मालियत बढ़ा दो, बात मानी कि हाँ मालियत बढ़ जाएगी, पर मालियत बढ़ने से खेत की हैसियत बढ़ जाएगी, जो उसमें पहले निकलता था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा निकलेगा, 2 साल से राई बो रहा हूं, लाई कितनी निकलती है, 1 क्विंटल का बीघा या 2 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल से बीघा ज्यादा नहीं निकली, वो लोग बागों की 2-2 क्विंटल की निकलती है, और लाई का बीज भी भैया यहां से बीज लाओ वहां से बीज लाओ, नंबर 1 का बीज लाया था कि जो कटेगा भी नहीं तो झलेगा नहीं मतलब गिरेगा नहीं, वो लंबा वाला जो हरियाणा में होते हैं तन तन से पेड़े, हमारा लंबा वाला, लंबे पेड़े होते हैं जिसके, लंबा वाला गलत मतलब मत निकालना क्योंकि जनता बहुत उल्टा सोचती है, नो 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 अपनी अपनी सोच, ये है ये डूबे पसीना में एक कहानी का।
ये है मौसम बदरा, पानी नहीं गिर रहा, और गिरता भी है तो ऐसी बारिश होती है कि इतना पसीना आता है बारिश के बाद जैसे उमस उमस उगती है। ठीक है तो गाइस कुछ भी करो पर खेती जरूर करना, क्योंकि तभी आपको पता पड़ेगी कि तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, किस चीज की जरूरत है। युवा क्यों खेती नहीं करते? पेरेंट्स कहते अरे यार उसका लड़का इंजीनियर बन गया, वो विदेश में जाके पैसा कमाने लगा है। माना कि उसका लड़का इंजीनियर बन गया, उसका लड़का पैसा कमाने लगा है, बात सही है। खेती करता तो उसके पे होती क्या? कभी ना होती, ये याद रखना। इसीलिए खेती जरूर करें, चाहे एक साल करें, समझ में आ जाएगी कि नौकरी करना बहुत ही जरूरी है। हम नहीं कर रहे तो हम भोग रहे, आप करोगे नहीं भोगोगे। धन्यवाद दोस्तों, देखिए आज की वीडियो।